अरसलान बोस क्या कहना चाहेंगे आज की इनिंग्स के बारे में? यार आज तो छा गया इंडिया, बांग्लादेश को भी फारक कर दिया। और देखिए, इंडिया बांग्लादेश तो समझ लेंगे ये प्रैक्टिस मैच था उनके लिए, लेकिन सबसे मज़ेदार चीज़ जो है विराट कोहली की सेंचुरी है। जिस तरह उसने आखिरी गेंद पे छिक्का मार के सेंचुरी की है, पहले तो वो वाइड हो गया था मेरे ख्याल से, वो उन्होंने कहा जी नहीं नहीं वाइड नहीं है, इसको डॉट बॉल दो, तो वो डॉट बॉल दिलवाया। उसके बाद ये चीज़ में ना मेरे ख्याल से हिस्ट्री में हमेशा विराट कोहली ने ही की है। पहले भी एक दो मैचेज मैंने इसके देखे हैं जिसमें इसको सेंचुरी के लिए चाहिए होती है शॉट और एक दो स्कोर रह गया होता है, विराट कोहली बाउंड्री मार के अपनी सेंचुरी पूरी करता है। एक दफ़ा मुझे याद है 2016 का मैच था शायद तो ना, तब विराट कोहली 60 या 70 पे खेल रहा था, एम एस धोनी तब साथ खेल रहे थे, तो एम एस धोनी ने कहा कि विराट कोहली तू फिनिश करेगा। तब कोई 3 ओवर पड़े थे और एक स्कोर रह गया था, तो रोहित ने ना धोनी ने ऐसे शॉट रोक लिया था कि विराट कोहली ही फिनिश करेगा, तो विराट कोहली ने आगे फिनिश किया उस दिन भी और आज भी। विराट कोहली ने हमेशा बताया कि यार मैं दुनिया का बेस्ट फिनिशर था, फिनिशर हूँ और बेस्ट फिनिशर रहूंगा, क्योंकि उसके जैसा चेज जो है ना दुनिया में आज तक किसी ने नहीं किया। और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मैं विराट का इतना फैन हूँ, ये देखें, ये मेरे फोन पे आप तस्वीर देख रहे हैं विराट कोहली की लगी हुई है, ये देखें लिटरली, और लिटरली इन्होंने लगाई हुई है यार। करें एक प्लेयर, एक जनरल एथलीट का मैं फैन हूँ, तो आज की जो उसने इनिंग खेली है ना इंडिया की बारी का, तो मजा ही आया ही आया। वो तो मैं कल ही पता था कि जीतने इंडिया ने। आप तो पाकिस्तानी हो, आपको तो बाबर को सपोर्ट करना चाहिए। अरे बाबर को सपोर्ट हम उस लिहाज से करें ना कि वो विराट कोहली बन सके, विराट कोहली वो बन नहीं सकता भाई। हमारे सारी आवाम कहती है कि बाबर आजम विराट कोहली से पाए का प्लेयर है ज्यादा। और नहीं नहीं कौन कहता है, पता नहीं कौन जाहिल कहता है। मैंने आज तक विराट कोहली कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे बेहतरीन बैट्समैन आया, लेकिन मैं उसको प्लेयर नहीं मानता विराट कोहली जब तक खेल रहा है। विराट कोहली सर क्या वो मेरे, मुझे बताया ऐसा कर सकता बाबर? कभी जिंदगी नहीं कर सकता कोई। उसने चेस में मैच जितवाया हो आज तक, ओडीआई का नहीं जितवाया पहले, इंडिया के साथ जीते। कौन सा इंडिया के साथ? इंडिया T20 मैच था जो, मतलब T20 मैच था ना वो, तो 152 नॉट आउट, वो तो तब तो टीम इंडिया स्टेबल भी नहीं थी और उस टाइम फॉर्म भी नहीं लगी हुई थी किसी की। और 2019 के ओडीआई के वर्ल्ड कप में आप क्यों नहीं जीते इंडिया से? ओडीआई के वर्ल्ड कप में क्यों नहीं जीते? 8 दफ़ा वर्ल्ड कप में आप मिले हो इंडिया से, 8 दफ़ा आप हारे हो, तब क्यों नहीं जीते? ना हमारे सीनियर जितवा सके, ना ये बाबर आजम जितवा सका उस दिन। ऑडियंस को भी पता आपकी को। सर कासिम मुनीर सर को चाहे देखें, और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं लड़का है, नौजवान लड़का बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, जरूर सपोर्ट करें। तो अब बात करने का पर्पस ये है कि अभी कैसे देखते हैं मैच को भाई? इंडिया ने तीसरी फतह भी हासिल कर ली, चौथी फतह भी हासिल कर ली, कैसा क्या कहना चाहेंगे कि डे बाय डे? इंडिया डे बाय डे नहीं, इंडिया डेली डेली वाला सीन हो गया। डे बाय डे में तो एक बाय आ जाता है, ये बाय निकाल के वो डेली पे परफॉर्म कर रहा है। देखें एशिया कप में बीटेबल है इंडिया, बैटिंग में नंबर 1, ओडी में नंबर 1, T20 में नंबर 1, वनडे में नंबर 1, टेस्ट में नंबर 1, ऊपर से अश्विन नंबर 1, जडेजा ऑलराउंडिंग में नंबर 1 है, अश्विन बॉलिंग में नंबर 1 है, मोहम्मद सिराज की बात करें तो तीसरे नंबर पर है, शुभमन गिल दूसरे नंबर पर है, रोहित 6 नंबर पर, विराट 8 नंबर पर है। एशिया की वो रिसेंटली चैंपियन रह गई और आज अनबीटेबल वर्ल्ड कप में हॉट फेवरेट जाए, और इंडिया के लिए क्या कहेंगे इन्फॉर्मेशन यार? इंडिया वाकई यार वो फैन बना लिया उन्होंने अपने, मैं जेन्युइन कह रहा हूँ यार। देखो आप एक मैच को हार, चलो आप टीम है उसकी तारीफ की हमने, वो अगला मैच हार गई यार, हमें शर्मिंदा हो गया कि यार ये जीत पे जीत कौन नहीं फिर उसको सपोर्ट करेगा। ऐसी टीम जिस पर आप बिलीव भी कर सकते हो, हमारी टीम नहीं है कि यार 100 पे हमारे एक आउट है तो चांद तक ना चले, तो 150 पे 2 आउट और 191 पे हमारे अगले 36 ओवरों में 8 आउट हो गए, उस टीम पे यार हमने सपोर्ट करना हमारा भी फिर जिगर ही होना चाहिए ना। तो इंडिया का यार इंडिया नहीं पकड़ी जा रही किसी, और इंडिया और न्यूजीलैंड का जब फाइनल होगा तो और फाड़ेगी इंडिया न्यूजीलैंड को। अच्छा पाकिस्तान कहीं भी आसपास नहीं नजर आ रहा? शुक्र करो पाकिस्तान को वर्ल्ड कप उन्होंने खेलने दे दिया जो उनकी परफॉर्मेंस है। आपसे टीम नहीं 3 माह सेलेक्ट हो रही थी, आप एशिया के कप के बाद भोंदले पड़े थे यार, हम टीम सेलेक्ट करेंगे ना।